हेलो एवरीवन, बेटा हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट्स में। कलेक्शन ऑफ डाटा जो चैप्टर 2 पढ़ा था ना, उसमें दो मेथड पढ़े थे अगर आपको याद हो। हाँ भैया, एक तो था प्राइमरी मेथड जिसमें हम डाटा खुद ही कलेक्ट करने जाते थे, एक था सेकेंडरी मेथड कि डाटा किसी और ने कलेक्ट करा होगा, मेहनत दूसरे की मजा हम ले लेते थे। दूसरा खून पसीना भाई, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, तू कर मेहनत कॉपी पेस्ट करो, एक वो डाटा था। ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ डाटा में, है ना, चैप्टर नंबर 2। और बेटा मैंने आपको पहले ही बताया सेट्स की हम पहले थ्योरी कर रहे हैं, जो पेपर में इतनी रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट हमारे न्यूमेरिकल है। लेकिन थ्योरी में कौन कौन से चैप्टर हैं, डाटा का कलेक्शन चैप्टर 2 और चैप्टर 3, उसके बाद फिर डाटा का ऑर्गेनाइजेशन, और फिर डाटा का प्रेजेंटेशन, और बिल्कुल लास्ट के 4 चैप्टर हैं उनके डाटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। अभी चैप्टर नंबर 3 में कलेक्शन ऑफ डाटा के ही 2 आगे पार्ट हैं, जो चैप्टर नंबर 2 में हल्का सा डिस्कशन हुआ था, आज वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 2 में बस क्या समझना है, सेंसेक्स मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन किसे कहते हैं, और एक सैंपल, आज बस इसमें फ़र्क समझना है, काम ख़त्म। देखो चैप्टर नंबर 3 में कलेक्शन ऑफ डाटा ही है, पिछले चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुत अच्छे से करा था प्राइमरी सेकेंडरी। जिसने नहीं भी करा हुआ चैप्टर 2, कलेक्शन ऑफ डाटा में बेटा मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ और उसका मीनिंग समझ रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे, इस वाले चैप्टर में भी एग्जांपल्स दूंगा। इस चैप्टर में बस सेंसेक्स और सैंपल, ये 2 मेथड है, इन दोनों का मीनिंग विद एग्जांपल, इन दोनों का मीनिंग विद एग्जांपल, दोनों की सुटेबिलिटी, दोनों के मेरिट्स, दोनों के डीमेरिट्स, और चैप्टर लगभग अलविदा टाटा बाय बाय सी यू सुहा, इतू सा ये चैप्टर 3। दोनों की मीनिंग, दोनों में सुटेबिलिटी, मेरिट्स, डीमेरिट्स। हाँ एक और बात, सैंपल में भी अलग अलग टाइप्स ऑफ सैंपल सिलेक्शन होता है, वो सब करेंगे। चलो भैया सीधा शुरू हो जाओ, सेंसेक्स और सैंपल में क्या फ़र्क है, दोनों डाटा कलेक्शन में क्या फ़र्क है। वैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपको अच्छे से समझा रखा है, लेकिन मैं फिर भी शुरू से ही बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता, सेंसेक्स और सैंपल में क्या फ़र्क है, दोनों डाटा कलेक्शन में क्या फ़र्क है, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन फ़र्क क्या है। बेटा इसके लिए ना कुछ पहले टेक्निकल वर्ड यूज़ होंगे, वो विद एन एग्जांपल समझाता हूँ। एक वर्ड हमारी सेट्स में बार बार यूज़ होता है, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। कौन सा वर्ड यूज़ होता है, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। और बेटा इसे अपने वाला यूनिवर्स ना समझ लेना जो साइंस में या SSC में टीचर ने समझाया होगा, या अपनी इंडिया की पॉपुलेशन ना समझ लेना जो 135 करोड़ हो रही है। इस सेट्स में यूनिवर्स या पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, इस सेट्स में यूनिवर्स या पॉपुलेशन का मतलब होता है, हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी आइटम होगा उस आइटम के टोटल को हम पॉपुलेशन कहते हैं। अभी विद एन एग्जांपल समझाऊंगा, मैं जो इस सेट्स में क्या करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन के जो भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होंगी उसे पॉपुलेशन कहते हैं। सीधा एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ बेटा मैं एक स्कूल में, एक स्कूल पे डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, उस स्कूल में 2000 बच्चे हैं। स्कूल में कितने बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं। आपके स्कूल्स में है नहीं इतने, ज़रा सोच लेना प्रैक्टिकली, उस स्कूल में 2000 बच्चे हैं। अब 2 तरीके हो सकते हैं समझना, या तो मैं 2000 के 2000 बच्चों का डाटा कलेक्ट कर लूं, या मैं 2000 में से 200 बच्चों का डाटा कलेक्ट करके अपना कुछ एनालिसिस निकालूं। तो ये जो 2000 बच्चे हैं ना, इन्हें पॉपुलेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। जितनी भी आइटम्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को ले लो तो वो पॉपुलेशन है। अगर मैं पॉपुलेशन के हर एक आइटम का डाटा कलेक्ट करूँगा तो ये डाटा कलेक्शन बन जाएगा सेंसेक्स, और ये बन जाएगा सैंपल। ये क्या बन जाएगा, सेंसेक्स, कि मैंने सबका ही डाटा कलेक्ट किया और मैंने कुछ गिनो चुनो का कलेक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कूल है, बेटा 2000 बच्चे तो नहीं बना सकता मैं, लेकिन थोड़े बहुत बना सकता हूँ। कुछ बच्चे खुशी रहते हैं, कुछ दुखी रहते हैं, कुछ सिंपल रहते हैं, ना खुश ना दुखी, है ना, कितनों के बाल ऐडे गहरे, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग बच्चे होते हैं स्कूल में, है ना। अगर सब बच्चों का डाटा कलेक्ट करा तो सेंसेक्स, इनमें से मुझे ये पसंद आ गया, ये पसंद आ गया, कुछ लिमिटेड का सिलेक्ट करा तो सैंपल। पहले इतना फ़र्क समझ में आया नहीं, थोड़ा सा बेस, अभी रीड करेंगे लिखेंगे, लेकिन बेटा यस और नो में सारे बच्चे मुझे आंसर दे दें,
शर्माए मत, है ना, टैक्स नहीं लगेगा यस या नो लिखने में, मोदी जी नहीं लगाएंगे तुम्हारे पे टैक्स, ना पेट्रोल महंगा होगा तुम्हारे लिखने से, तुम बस यस या नो बता दिया करो। टीचर को बहुत हाँ कि भैया बात समझ में आ रही है, कुछ भेजे में जा रहा है, कुछ तो सही है, हाँ ठीक है भैया, कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है कि भैया सेंसेक्स वर्ड होता है सैंपल। तो हम जब पॉपुलेशन में जितनी भी आइटम्स है, जैसे स्टूडेंट एक आइटम बना दिया, भैया क्या बात, और क्या, इस वाले एग्जांपल में स्टूडेंट एक क्या बन गया, आइटम। तो अगर हम सारी आइटम ही कलेक्ट कर लेंगे पॉपुलेशन की सारी आइटम ही कलेक्ट कर लेंगे तो वो सेंसेक्स, गिने चुने को करेंगे सैंपल। चैप्टर में क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, ये कब सुटेबल है, ये कब सुटेबल है, इसके मेरिट्स, इसके डीमेरिट्स। सेंसेक्स के जो मेरिट्स होंगे वो सैंपल के डीमेरिट्स, मतलब बिल्कुल रिलेटेड। और मतलब सेंसेक्स तो अभी ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे से बातों ही बातों में, तुमसे पूछता रहूँगा। हमें दोनों में बस देखने क्या होगा, समझना, हमें ये देखना होगा कि भाई किस में डाटा ज़्यादा एक्यूरेट है, किस में ज़्यादा डाटा रिलायबल है, कौन टाइम टेकिंग ज़्यादा है। ये दो तीन चीज़ें, एक्यूरेसी देखूंगा, रिलायबिलिटी देखूंगा, टाइम टेकिंग देखूंगा, एक्सपेंसिव देखूंगा, ये सारी चीज़ें देखूंगा। बस वही, किसी में कोई ज़्यादा एक्यूरेट है, किसी के लिए कोई ज़्यादा एक्यूरेट, वो भी डिस्कशन कर लेंगे। अभी ज़रा एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं बेटा। इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं, हर 10 साल बाद हम इंडिया का डाटा कलेक्ट करते हैं, एक एक जगह जाते हैं, एक एक जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर, हाँ जी आंटी जी आपके यहाँ कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उसमें से कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, लिटरेसी रेट वगैरह सब पूरी इंक्वायरी निकलवा के ले आ जाते हैं। घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाके जब डाटा कलेक्ट हो रहा है, एक एक बंदे, गली में भी बैठे वाले बंदे से पूछा जाता है, तो आप खुद बताओ क्या वो सेंसेक्स है या वो सैंपल है डाटा कलेक्शन का तरीका, बोलो क्या वो सेंसेक्स है भाई। पूरी पॉपुलेशन में हर एक बंदे से ही पूछ लिया, हाँ भाई व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, हाँ भाई कितने पढ़े लिखे हो, कमा कितना लेते हो, काम कुम करते हो नहीं करते। तो जब हम ये कलेक्ट कर दें, दैट वन इज सेंसेक्स या सैंपल। डाटा कलेक्शन तो है, सेंसेक्स है या सैंपल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ही एक है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ही एक है, उससे ज़्यादा क्या डिस्कशन करूँ। सबसे बड़ा सेंसेक्स इंडिया में कलेक्ट होता है, इसीलिए कितने साल बाद सब बच्चों ने मुझे बताया, मनाली वगैरह सब ने, कि भैया सेंसेक्स है ये, इसीलिए बेटा कितने साल में कलेक्ट होता है, 10 साल में। आप खुद सोचो यार, इसके मेरिट, सुटेबिलिटी, डीमेरिट सब समझाऊंगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए डाटा 10 साल में कलेक्ट होता है, इतना बड़ा भारत है, घर घर जाके सबसे पूछना, और कितने लोग घर पे मिलते नहीं, कभी घूम रहे होते हैं, कभी इधर उधर होते हैं, डाटा नहीं देते कितने से, कि अच्छा हम तो नहीं देंगे। तो बेटा वो सारी चीज़ें, एक एक बंदे का डाटा कलेक्ट करना, आप एक बार विजुलाइज करो यार, कितना एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और कितने मज़ेदार प्रोसेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही सारा डाटा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ, जो होम मिनिस्ट्री है ना, होम मिनिस्ट्री, जिसके हमारे आज के दिन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके अंडर ये सारा का सारा डिपार्टमेंट आता है, उन पे है पावर मेकिंग, उन पे सारा डाटा होगा कि कितने मेल है इंडिया में, कितने फीमेल है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे कितनी ज़्यादा है, गरीबी कहाँ पे कितनी ज़्यादा है, सारा डाटा जो हम इंडिया में बोल पाते हैं, जो भी मोदी जी फैक्ट बोलते हैं। हम कहते हैं इंडिया एक यूथ नेशन है, सुने मोदी जी के मुँह से इंडिया एक यूथ नेशन है, बेटा आपको क्या ही तो पता क्या वैल्यू है इन सेंसेक्स और सैंपल की। अभी रीड कराऊंगा, ख़त्म, अभी बेस तो बन जाए ना, बातों ही बातों में चैप्टर खत्म होता जा रहा है हमारा, और कुछ नहीं है, बातों ही बातों में हम चैप्टर को खत्म करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमारा इंडिया एक यूथ नेशन है, मोदी जी कैसे बोल पा रहे हैं, मोदी जी ये स्टेटमेंट कैसे बोल पा रहे हैं भैया, मोदी जी की कोई सुनता ही नहीं। अब नहीं बेटा अलीशा, ऐसी बात नहीं है अलीशा, इतनी बेटा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं कि मोदी जी की कोई नहीं सुनता, है ना, बहुत लोग सुनते हैं मोदी जी की। यूथ नेशन वो कैसे बोल पा रहे हैं, डाटा कलेक्शन के बेसिस पे। मोदी जी को पता है कि इंडिया में लगभग 65% पॉपुलेशन 15 से 40 साल के बीच में है, हमारे यहाँ यंग लोग बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि इंडिया इज़ ए यूथ नेशन, हमारे यहाँ यंग लोगों की कमी नहीं है। जो चाइना है ना, वहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, ग्रीस में तो बूढ़े लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। बेटा आप नहीं समझोगे नहीं इसकी कितनी वैल्यू है इन चीज़ों की, जब इनका इस स्टडी, मतलब आप धीरे धीरे नॉलेज अभी गेन कर रहे हो, इको अच्छे से पढ़ोगे तब समझ में आएगा एक एक चीज़ की कितनी रेलेवेंसी है। आपको पता है ग्रीस बूढ़ा क्यों बन गया,
ग्रीस में मतलब इतने ज़्यादा, अभी पिछले 1-2 साल पहले कोविड से पहले क्राइसिस ही आ गए थे वहाँ पे, बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा, सच्चाई है। यंग जो लोग होते हैं ना वो पैसा कमाते भी और टैक्स भी देते हैं भर भर के सरकार को। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, ग्रीस का जो सोशल स्ट्रक्चर है, ग्रीस का सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, वहाँ शादीशुदी तो होती नहीं, मैं वो जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं ना, उनके बच्चे होते, जब बच्चे नहीं है तो यूथ नहीं बने तो उस एज में वहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा आ गए, और बूढ़े लोगों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, उनकी टेक केयर करना, उन्हें पैसे देना, मेडिकल फैसिलिटीज़ देना। तो ग्रीस में खर्चा तो ज़्यादा हो गया बूढ़े लोगों पे, यंग लोग थे नहीं, पैसा आता नहीं। हमारे यहाँ मतलब देखो, हमारे यहाँ राम भरोसे चल रहे हैं लेकिन तब भी सब बढ़िया चल रहा है आज के दिन, बात सही है या नहीं? राम भरोसे चल रहे हैं हम लेकिन फिर भी बढ़िया चल रहे हैं। फिनलैंड जैसी जो नंबर वन कंट्री है एजुकेशन में, वो कंट्री कह रही है कि वो अपने यहाँ लोगों को बुला रही है, माइग्रेट नंबर वन है इन स्टडी फिनलैंड, वो कह रही है हमारे यहाँ आ जाओ, हम कह रहे हैं हमारे पे कमी नहीं, ले जाओ जितने लेके जाने हैं। हाँ भैया सब बढ़िया है, राम ने ही बचा रखा है, मतलब राम ने बचा रखा है लेकिन बढ़िया चल रहे हैं अपने देश, ऐसे कोई बात नहीं है, अपना देश बढ़िया चल रहा है, यूथ बहुत है हमारे यहाँ। और यार ऐसी बात नहीं, DRDO मैं आज ही देख रहा था, मतलब बहुत कुछ है। DRDO एक बहुत अच्छा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। एक छोटी सी बात बता दूँ, मतलब ये सारी चीज़ें स्टडी से होती है, फैक्ट्स निकालते हैं। मतलब DRDO ने एक ऐसा वो अभी बनाया है, मैं पता नहीं यार उसको एग्जैक्ट वर्ड क्या कहेंगे आज ही, तो एक तरीके से एक इक्विपमेंट्स बनाया है, वो उस इक्विपमेंट्स के थ्रू 5000 किलोमीटर तक वो हमें सिग्नल दे देगा कि किस एरिया में कौन सा प्लेन क्या कर रहा है, उड़ रहा है, कौन सा प्लेन इस समय लैंड कर रहा है। मतलब DRDO ने कितना बड़ा अच्छा इक्विपमेंट बना दिया। तो ऐसी बात नहीं यार, हमारी जो कंट्री है बहुत कुछ कर रही है। DRDO ने कोविड के ऊपर भी और कैंसर के ऊपर भी बहुत रिसर्च करी है, मतलब बहुत कुछ होता भी रहता है, बस बात यह है आपको थोड़ी सी नॉलेज की कमी है। ये सारी चीज़ें फैक्ट्स को कलेक्ट कर करके बहुत कुछ करते रहते हैं हमारे साइंटिस्ट लोग भी। चलो बहुत एग्जांपल्स दे दिए, अब जल्दी से बुक पे आते हैं और देखते हैं कि आपको बात समझ में आई है। सेंसेक्स तो समझ में आ गया ना, और सैंपल का एक अच्छा सा वो दे दो, फिर सीधा रीड कराएंगे और साथ में एग्जाम्पल देते रहेंगे। बेटा आपको पता है इलेक्शन या थोड़े बहुत, आप तुम सारे बच्चे बताना पहले, इलेक्शन में इंटरेस्टेड होते हो या नहीं? तुम एग्जिट पोल्स देखते हो जो कुछ दिन पहले आ जाते हैं, 1-2 दिन पहले देखते रहते हो, जब UP वगैरह में इलेक्शन होते हैं, UP में, बिहार में, पूरे इंडिया में, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है या नहीं? यस भैया, न्यूज़ पे आता रहता है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, भैया क्या करें, घर वाले दिखा देते हैं, बाकी बच्चे नहीं आंसर दे रहे। केशव, अलीशा, जतिन, तुषार, भी 4-5 बच्चे हैं, बाकी भी बोलो बेटा, अपने विचारधारा रखो, बताओ। हाँ भैया देख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ जो एग्जिट पोल्स आते हैं उसमें हमेशा एग्जिट पोल्स में रिजल्ट आ जाते हैं कि भाई BJP के इतने चांसेस है जीतने के, कांग्रेस के तो चांसेस ही नहीं रहते आजकल, चलो फिर भी कांग्रेस के इतने चांसेस है, अलग अलग एरिया में अलग अलग पार्टी है, दिल्ली है तो दिल्ली में आपके इतने चांसेस हैं। बेटा जब ये एग्जिट पोल्स वाले रिजल्ट देते हैं, जैसे भाई वोट फॉर एग्जाम्पल एक एरिया में 30 लाख लोग डालते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो 30 लाख के 30 लाख का डाटा कलेक्ट करते हैं एग्जिट पोल्स वाले? या इनमें से ऐसा करते होंगे 30 लाख में से कुछ लोगों का डाटा कलेक्ट कर लेते होंगे, 30 लाख का तो नहीं करते ना, ऐसा होता है कि जैसे कि 1-2 लाख का कर लिया, मैक्सिमम 1-2 लाख का सैंपल लेते हैं। तो जो ये एग्जिट पोल्स का रिजल्ट आ रहा है तो ये सैंपल डाटा कलेक्शन है, ये सेंसेक्स नहीं, ये कौन सा है? सैंपल, ठीक है ना, ये कौन सा है? सैंपल, इट वन इज सैंपल। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। चलो बेटा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सीधा बुक पे आते हैं, फालतू बात देखेंगे भी नहीं, सीधा मेन बात पे आएंगे। ये फालतू बात है, जिस दिन रात को नींद ना आ रही हो पढ़ लेना, मैंने सारी बातें आपको समझा दी। इसमें यही बता रखा है क्या कि एक कॉलेज में 2000 बच्चे हैं, 2 के 2000 बच्चों का डाटा कलेक्ट कर लोगे तो सेंसेक्स, गिने चुने को करोगे तो सैंपल। भैया मजाक ना करो हमारे साथ, यही है, इतनी बड़ी बुक छाप देते हैं। मेन पॉइंट, सेंसेक्स और सैंपल समझने के लिए 2-3 वर्ड यूज होंगे जो मैंने पहले बताया, कुछ नहीं लिखना उसमें। भैया रेड पेन नहीं है, माय गॉड, एक तो भाई रेड पेन नहीं, बताओ तुम पेन की लड़ाई है, चलो ग्रीन से समझ लो खुश। अब सेंसेक्स और सैंपल को समझने के लिए कौन से वर्ड यूज़ करे थे मैंने? पॉपुलेशन वर्ड्स आया था ना, कि पॉपुलेशन और यूनिवर्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तो यही लाइन लिखनी है आपको। यूनिवर्स या पॉपुलेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ आइटम्स,
एग्रीगेट ऑफ आइटम टू बी स्टडी फॉर एन इन्वेस्टिगेशन. एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक इन्वेस्टिगेशन जब आप कर रहे हो तो जितने भी वहाँ आइटम्स हैं उन आइटम्स के एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं, उस आइटम्स के एग्रीगेट को हम यूनिवर्स कहते हैं. या इसी को एक दूसरी लाइन में लिखवा देता हूँ, उसे मैं क्या कह दूंगा, पॉपुलेशन. वही है यूनिवर्स, ये भी लिख सकते हो एक लाइन या ये भी. द टर्म पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स, जितनी भी आइटम्स हैं उन सबका एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब सम टोटल, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं. जैसे किसी स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं तो 2000 जो बच्चे हैं वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, यूनिवर्स या पॉपुलेशन. आपको हैंड रिटन नोट्स में ये एक लाइन लिखनी है, बस एक लाइन, कोई एग्जांपल नहीं लिखना, हमने बहुत डिस्कस कर लिया, अभी चलते रहो मेरे साथ, ये लिखते रहे. हमें एक एग्जांपल मैंने यूनिवर्स का दे दिया, अब ये देखो ये एग्जांपल दे रखा है कि भाई यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बास्केट है, उसमें कितने 27 आइटम्स है, तो ये सारे आइटम्स तो पॉपुलेशन हो जाएगी, उसमें से गिने चुने सेलेक्ट कर लिए तो वो सैंपल हो जाएगा. ये आपको पहले ही पता है, ज़्यादा लिखने की ना रीड करने की जरूरत है. दो लाइनें ऊपर की लिखोगे फिर ये भी लिखोगे. सेंसेक्स मेथड, वो मेथड है भैया कौन सा, जिसमें जब डाटा कलेक्ट होता है, इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग, कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन. जब मैं पॉपुलेशन की हर एक आइटम का डाटा कलेक्ट कर लूंगा, दैट इज सेंसेक्स. सबका नहीं करूंगा, दैट इज सैंपल. अब मैं खुद पहले यार आपसे सुटेबिलिटी, मेरिट्स और डीमेरिट्स की बातें करता हूँ. आप खुद बताओ यार, क्या सेंसेक्स मेथड, आप हाँ या नहीं लिख सकते हो, या आप कोई भी खुद भी फीचर्स मुझे बता सकते हो, क्या सेंसेक्स मेथड ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट देने वाला है? क्या ये कॉस्टली भी होगा, एक्सपेंसिव भी होगा, टाइम टेकिंग भी होगा? भाई बहुत टाइम लगेगा सबका डाटा कलेक्ट करना है. और ये यूज़फुल कब होगा, जब मुझे एक्सटेंसिव रिसर्च करनी होगी. जब मुझे कौन से रिसर्च करनी होती है, एक्सटेंसिव, मुझे एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे भंडार में इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इंडिया की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी तो मैं सेंसेक्स कलेक्ट करता हूँ. मतलब गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड है इंडिया में, उनके पास सब पता है, कितनी पॉपुलेशन है, उसका डिवीज़न मेल में कितनी है, फीमेल में कितनी है, रिलीजन वाइज डिवीज़न, हिंदू मुस्लिम होना नहीं चाहिए लेकिन करती है ना गवर्नमेंट, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख, उनके पास सब पता है कि किस किस एरिया में कितने परसेंट लोग रह रहे हैं, यूपी में कितने लोग हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, मतलब कितना डाटा कलेक्ट करता है गवर्नमेंट, और उन सबको गवर्नमेंट ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है यार. मतलब कितने ही बढ़िया चीज़ है, मतलब सारा डाटा है गवर्नमेंट के पास. भैया बिल्कुल एक्यूरेट कैसे होगा, बिल्कुल एक्यूरेट का मतलब इससे ज़्यादा तो एक्यूरेट अलीशा हो नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं हो सकता. घर घर जाके वो आपसे पूछा है, आप गलत बता दो तो अलग बात है, वो घर घर जाके पूछते हैं, हर एक से पूछते हैं, बेटा कितने लोग हैं आपके यहाँ, कितने काम करने वाले हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कितने पढ़ाई कर रखी है, रिलीजन क्या है. 10 साल में तो एक और जनरेशन खड़ी हो जाए. वो बात आपकी सही है, लेकिन बेटा आप समझो पूरे इंडिया को कवर करने में टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, बहुत चीज़ें होती है भैया. गलत ही बताते हैं वरना इंडिया फर्स्ट होती है अभी पॉपुलेशन में. जतिन क्यों नहीं घबराते, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, फर्स्ट की बात है, रुको 3-4 साल, रुको 3-4 साल बाद हम फर्स्ट भी आ जाएंगे पॉपुलेशन में. एक ही काम तो कर रहे हैं, और कर ही क्या रहे हैं इतने सालों से, पॉपुलेशन बढ़ाने का, आ जाएंगे उसमें नंबर वन. ठीक है, तो ये एक लाइन आप लिख लोगे. अब जरा मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, ये तो फालतू की बात है कि जो इंडिया का सेंसेक्स है वो 2011 में हुआ था, जिसने इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बताया था, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री था इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू चाइना. हम चाइना से ही पीछे हैं खाली पॉपुलेशन में. देखो मैंने सारी बातें, अब जरा आराम से आपसे मैं खुद आराम से, बेटा ये कब सुटेबल है, 4 पॉइंट लिखने हैं आपको. जहाँ पे पॉपुलेशन का साइज स्मॉल हो, क्या बात सही है या नहीं, ये सुटेबल तो सब है, तब है सेंसेक्स वैसे तभी लगना चाहिए जब स्मॉल साइज हो. लेकिन बेटा हम इंडिया में जो इंडिया का डाटा कलेक्शन है वो लास्ट साइज पे भी लगा लेते हैं, लेकिन सुटेबल ये कब होते हैं, स्मॉल साइज पे. भैया फिर इस साल होना होगा, हाँ अलीशा बेटा इस साल होगा, नो डाउट इस साल होगा. कोविड के पीछे क्या पता गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट उन्हें यूटिलाइज ना कर पाई हो इस काम के लिए, लेकिन होगा इस साल. ठीक है, फिलहाल
मैं क्या कह रहा था, हाँ सेंसेक्स टेबल कब है, जल्दी से। इस बार का सेंसेक्स भी नहीं हुआ। हाँ बेटा हो जाएगा जतिन, ना घबराओ तुम, कोविड ने बेटा सारे बैंड बजा दिए यार, क्या करें, कर लेगी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ, तुम टेंशन ना लो, गवर्नमेंट कर लेगी। फिलहाल ये कब सुटेबल होता है, जब आपकी पॉपुलेशन का साइज कम हो, जब आपके यहाँ वाइडली डिवर्स आइटम्स हो इन पॉपुलेशन। हमारे यहाँ देखो कितने डिवर्स आइटम है, हमारे यहाँ इतना यार इतना एक्सट्रीम कल्चर है ना हमारा, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक जगह का कल्चर अलग है। हमारे यहाँ हम कृष्ण जी को मानते हैं तो जन्माष्टमी हम कितने अच्छे से मनाते हैं, अपना कोलकाता से चले जाओ, हमने रिजर्वेशन रखी हुई, ये भगवान मेरे, ये भगवान मेरे, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, बताओ आप खुद ही बताओगे कोलकाता में किस चीज़ को बहुत ज़्यादा तरीके से इंजॉय करते हैं, वरना मैं बताता हूँ आपको। वहाँ पे उन्होंने एक अपना फेस्टिवल बना रखा है, अपना जो मुंबई वाले हैं उन्होंने अपना अलग रखा हुआ है, सबका बढ़िया है। दुर्गा माता, वो दुर्गा पूजा को अच्छे से इंजॉय करते हैं। अपना फिर मुंबई आ जाओ, वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है, वो अपना मुंबई में गणेश जी है ना, वहाँ पे गणेश जी का विसर्जन होता है, गणेश जी का। तो आप समझ रहे हो हमारा इंडिया यार कितना डिवर्स है, लेकिन यार हम ये बातें बच्चों को नहीं बताते कि हमारा इंडिया बिल्कुल डिवर्स है। इसलिए हर एक एरिया को डाटा सेंसेक्स कलेक्ट करके बता सकते हैं। हम ये डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं, जब इंटेंसिव एग्जामिनेशन करनी होती है, ज़बरदस्त एग्जामिनेशन करनी होती है, और बेटा बहुत एग्जामिनेशन होती है, और यहाँ पे डिग्री, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी होती है। बेटा जो मैंने इतनी बातें करी ना, अब दो मिनट्स में मेरिट्स डीमेरिट्स बता दूंगा, आप सही बताना क्या बातें होगी थी या नहीं। यहाँ का डाटा सबसे ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होगा, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी, आप अपनी पॉपुलेशन के डिवर्स करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल डिवर्स करेक्टरिस्टिक्स सारी आपको, आपके सामने सारा आ जाएगा कि इंडिया में भाई सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना है, सब आ जाता है। मोर्टिलिटी रेट कितना है बताओ, कौन सा रेट चाहिए, सब आ जाएगा आपके पास। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन की स्टडी, सब, कोई भेदभाव नहीं होता डाटा कलेक्ट करते हुए। यहाँ पे डाटा के बायस होने के चांसेस कम है। कितने बच्चों को ना बायस का मीनिंग समझ नहीं आता, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप हर एक घर में ये बात जरूर कहते होंगे, घर वाले मुझे तो प्यार नहीं करते, या तो मेरे छोटे भाई बहन को प्यार करते हैं या बड़े भाई बहन को, हमारे साथ सौतेला जैसे बिहेव किया जाता है। कभी ना कभी तो ये टोन तुमने मारी होगी घर पे, तो तुम क्या कह रहे होते हो कि हमारे साथ घर वाले बायस है, फेवरिंग वन साइड निगलेक्टिंग अदर। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जतिन बेटा, हुआ नहीं हुआ तुम सबके साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी ना कभी तुमने ये बात कही ना हो घर वालों को, हाँ हमें तो प्यार ही नहीं करते, हाँ भैया मेरा छोटा भाई भी बोलता है। बेटा ये तो हर एक, जिसने नहीं बोला उसके साथ दिक्कत है, वरना तो हर कोई घर पे ये कहता है मेरे साथ तो बायसनेस होती है, मेरे साथ तो भेदभाव होता है। अच्छा उसे तो मोबाइल फ़ोन तब दिलवा दिया था, मुझे तो दिलवाया ही नहीं, भैया रोज़ ही बोलते रहते हैं हम तो, है ना। मेरी खुद नहीं कह रहे कि भैया हम बोलते हैं, सारे बच्चे तेज है, भैया मेरे छोटे भाई बहन बोलते हैं। डंगरो तुमने भी बोला होगा, हाँ छोटे भाई बहन बोलते हैं, पता है मुझे तुम्हारे बारे में, तुम रहने दो, ठीक है। तो मैं बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ, ओ माई गॉड, बच्चे कह रहे हैं भैया हम बहुत बुरे फंसे हैं, बताओ बच्चों के दुख सुनो, वो इनके छोटे भाई बहन कहते होंगे कि हम बुरे फंसे हुए हैं भैया, है ना, हम बुरे फंसे हुए हैं। नहीं भैया पढ़ाई में ठीक है, जब तक तब तक सब मिलता है, चलो बढ़िया। फिलहाल खाली एग्जाम्पल था, दिल पे ना लगाया करो। और लास्ट पॉइंट, सेंसेक्स से भैया मेरी तो बड़ी बहन है जब भी होता है, हाँ तो आप ये कहते होंगे ना बड़ी बहन को सब दिलवा देते हो, मुझे कुछ नहीं दिलवाते। आई एम मिडल चाइल्ड, देखो सब ने अपनी कहानियाँ रख दी, आई एम मिडल चाइल्ड, बड़ी को क्या प्यार, छोटे को भी प्यार, हमेशा मैं ही बोलती हूँ, ये देखो बस, मतलब हर एक बड़ा बड़ा जो भाई होगा वो कहेगा छोटे को ज़्यादा मिलता है, छोटा जो है वो कहेगा बड़े को ज़्यादा मिलता है, जो बीच में वो कहेगा जी बड़े और छोटे को मिलता है, हमें पूछता ही कौन है, है ना, सबको जानता हूँ मैं, तुम रहने दो, बस हो गया। ओके वेरी गुड, लास्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन एग्जाम्पल, कह रहा है जब मैं सेंसेक्स का डाटा कलेक्ट करता हूँ ना, मैं उस डाटा को अलग अलग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ, कि इंडिया में कितनी गरीबी है, जब मुझे पॉवर्टी का डाटा चाहिए, जब मुझे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा चाहिए, जब मुझे करप्शन का डाटा चाहिए, तो ये मेरी दूसरी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर देता है। और जब एक सेकंड में देखो क्या डीमेरिट सारे समझ में आते हैं, भाई बहुत महंगा पड़ेगा इतने सारे बंदों से डाटा कलेक्ट करना, 135
करोड़ लोगों से डाटा कलेक्ट करने में कितने इंसान चाहिए होंगे, लास्ट मैन पावर, और ये कभी भी लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है। और हमारा देखो, हमारा भारत महान, हम लार्ज इन्वेस्टिगेशन पे लगाते हैं। अभी के लिए इतने रखते हैं, लिखो, रिकनेक्ट होते हैं, रिकनेक्ट होके जरा डाउट्स ले लेते हैं। बेटा मेरिट्स और डीमेरिट्स की खाली हेडिंग्स लिखनी है, पहली बात तो कम आते हैं। और अगर आ भी जाए, मैं आपको बता दूं, जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं ना, वो पता कैसे कॉपी चेक करते हैं, कोई भी टीचर हो 11th क्लास में तो खासकर। अच्छा, मीनिंग और मेरिट्स और डीमेरिट्स आए ना, बस वो हेडिंग देखता है, बीच में तो आप कुछ भी मतलब लिख देना, उसी से रिलेटेड पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। फिलहाल सैम्पल मेथड, मैंने एग्जांपल इसका दे दिया, सबसे अच्छा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो एग्जिट पोल्स होते हैं इलेक्शन के टाइम, वो सैम्पल पे बेस है। वहाँ पे सारे पब्लिक का डाटा कलेक्ट नहीं होता, गिने चुने पब्लिक से डाटा कलेक्ट किया जाता है और वो आपके सामने रिजल्ट निकाल के दे देते हैं। मतलब टेक्निकल वर्ड में कहूँ तो पॉपुलेशन की सारी आइटम से डाटा कलेक्ट नहीं होगा, लिमिटेड आइटम्स ही कलेक्ट की जाएंगी, और लिमिटेड आइटम से हम कंक्लूजन निकालेंगे, और वो कंक्लूजन मैं पूरे किस पे लगा दूंगा, यूनिवर्स पे। आप जरा खुद दो तीन बातें बताओ, हाँ हाँ कह देना। क्या ये टाइम सेविंग होगा? पिछले वाला कॉस्टली था, क्या ये टाइम सेविंग होगा? पहली बात। दूसरी बात, वो तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, ये टाइम सेविंग होगा? वो एक कॉस्टली था, वो एक्सपेंसिव था, ये चीपर पड़ेगा, ये सस्ता होगा सैंपल कलेक्ट करना? हाँ भैया, भैया ये टाइम सेविंग भी होगा, चीपर भी पड़ेगा, सस्ता भी पड़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भैया वो तो एक तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ता है, भैया टाइम लगता है, लार्ज मैन पावर चाहिए, इसमें कम लोग ही काम कर देंगे, कम टाइम में काम कर देंगे, सस्ता ही पड़ेगा। अपना सस्ता जुगाड़ है सैंपल वाला, चीपर, टाइम सेविंग। उसके बाद बेटा, अगर अगर लार्ज डाटा है या लार्ज सैंपल साइज, लार्ज यूनिवर्स है, पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है, तो यही सूटेबल है? भाई जब मुझे इतना ज़्यादा डाटा, मतलब मेरे पे डाटा बहुत ज़्यादा है, तो कन्वीनियंट यही रहेगा ना यार, सैंपल ले ले, गिने चुने लोगों से पूछ ले, काम ख़त्म कर। तो यही सारी बातें लिख देंगे यार, और क्या। लेकिन हाँ, जब एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की बात आएगी थोड़ी सी, वो आप खुद समझो कौन सा डाटा ज़्यादा एक्यूरेसी और रिलायबल के साथ होगा यार, जहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगी, जहाँ ज़्यादा पैसा लगा, जहाँ एक एक बंदे से डाटा कलेक्ट करा, जहाँ सर खपाई ज़्यादा हुई, तो वहाँ पे तो होगा। सेंसेक्स वाला ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होता है, इसमें क्या बात होती है ना, जितना खून बहाओगे भाई, वही तो कहते हैं ना भाई, आप जितना गुड़ डालो मिठास उतनी बढ़ जाती है। भाई जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया चीज़ें निकल के आती है सामने, या कम मेहनत तो थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हो ही जाएगी, थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी भैया। लेकिन इंडिया सुपरमैन है, इतना पॉपुलेशन के बाद भी सेंसेक्स होते हैं। हाँ बेटा, इंडिया वाले तो तभी तो कहा मेरा भारत महान, ऐसी कोई मजाक कोई है, भारत को तुम हल्के में लेते हो। लेकिन मैं तुम्हें ना, जब तुम 12th क्लास में इंडियन इको पढ़ोगे तब बताऊँगा, हम इंडियंस का जो माइंडसेट है ना, ये ब्रिटिशर्स ने ख़राब करा है। आपको हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता, हमारा कल्चर बहुत पुराना है। हमारे यहाँ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी, तक्षशिला, नालंदा वगैरह, सबसे पहले हमने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को जाना था, और हमने पूरे वर्ल्ड में रूल किया, बहुत कुछ था वो, फिर एक घंटे का लेक्चर होता है पूरा का पूरा। उन्होंने हमारा माइंडसेट ख़राब कर दिया। ये जो एजुकेशन आज के दिन है, ये ब्रिटिशर्स की है, ये वेस्टर्न कल्चर है। हमारे यहाँ इंडियंस में कभी भी हम ऐसे नहीं पढ़ाते थे। पता नहीं आप बच्चों को ये बातें पता या नहीं पता, लेकिन मैं आपको जब इंडियन इको स्टार्ट कराऊंगा तब आपको माइंडसेट जरूर चेंज कर दूंगा। आपको हमारे कल्चर के बारे में बताएंगे अच्छे से कि यार हम कितने एक्सट्रीम हैं अपने कल्चर में। फिलहाल देखो, सैंपल मेथड वो मेथड है जहाँ पे जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल ऑन ए ग्रुप ऑफ आइटम्स। हम खाली पॉपुलेशन का एक सैंपल लेते हैं एग्जामिनेशन के लिए, और कंक्लूजन भी उसी पे ड्रॉ कर देते हैं। सुटेबिलिटी, बेटा जब पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा हो, जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, वहाँ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए थी, जब इंटेंसिव एग्जामिनेशन नहीं चाहिए, चलो ऐसे ही चल जाएगा, और जब यूनिवर्स में जो अलग अलग आइटम्स हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, वो होमोजीनियस है, वो फ़र्क नहीं है, कि जो मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट हर एक आइटम पॉपुलेशन की सिमिलर है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अब मेरिट्स की बातें करें यार, ये इकोनॉमिकल चीपर पड़ेगा, पहले बता दिया,
टाइम सेविंग, कम टाइम लगेगा भैया इसमें, सही बात है। बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है इसमें, जितनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो सैंपल ही तो कलेक्ट करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कन्वीनियंस बहुत रहता है यार, कम कम डाटा को रिसर्च करना हमेशा इजी रहेगा, ये मोस्ट साइंटिफिक है, ये अकॉर्डिंग टू आर फीचर जो सैंपल मेथड है वो मोस्ट साइंटिफिक होता है, क्योंकि जब हम सैंपल डाटा में डाटा इन्वेस्टिगेट करते हैं अलग अलग एंगल से कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, और एरर को आइडेंटिफाई करने के भी चांसेस इसमें ज़्यादा है, क्योंकि कम चीज़ को स्टडी करना हमेशा चांसेस रहेंगे कि आप गलती पकड़ सकते हो डाटा में, ज़्यादा चीज़ की स्टडी में थोड़ी बहुत चीज़ें क्या हो जाती है मिस, जब कम चीज़ों की स्टडी होती है ना तो आप बहुत अच्छे से गलतियों को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब इसमें डीमेरिट्स क्या है, अब इसके डीमेरिट्स वही बात है भाई, पार्शल डाटा कंप्लीट नहीं है, लिमिटेड लोगों से डाटा कलेक्ट हुआ, रॉन्ग कंक्लूजन में एग्जांपल बेटा, जो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट होते हैं, अब जैसे अभी ज़्यादा दूर नहीं जाते, जब बिहार के इलेक्शन आए थे, कोई भी एग्जिट पोल्स नहीं कह रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, कोई एक सिंगल एग्जिट पोल्स नहीं कह रहा था, एक सिंगल। और जिस दिन रिजल्ट आया भाई सब रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट, बीजेपी और एनडीए ने बस बैंड बजा दी वहाँ पे पूरी पार्टीज की। देखा होगा आपने बेटा, जो एग्जिट पोल्स का रिजल्ट होता है, जो ये सैंपल पे रिजल्ट आता है वो सही हो इसकी कोई चांसेस नहीं है, क्या समझ रहे हो? वहाँ पे तो उस दिन, तो जिस दिन बीजेपी का रिजल्ट आया, एग्जिट पोल्स वालों की तो बैंड बजी, सब ने गलत एग्जिट पोल्स दिए थे, और एक्चुअल में रिजल्ट बिल्कुल ही अपोजिट आया था। ठीक है, ये मैं दो तीन बातें और बता देता हूँ। कह रहे इसमें सैंपल की बातें तो हो रही है, लेकिन सैंपल को फ्रेम और सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। बेटा जैसे मुजफ्फरनगर है, आप यहाँ कहीं हो ना आप समझ जाओगे, बेटा वैसे कास्ट सिस्टम होना नहीं चाहिए, लेकिन कास्ट सिस्टम से ही आपको मैं एग्जांपल समझा सकता हूँ अपने, कि अगर हमने डाटा सही कलेक्ट नहीं करा ना सैंपल में, तो हमारे जो डाटा आएगा वो गलत होगा, तो हमें बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना पड़ता है कि सैंपल में मैं कितने लोग कहाँ से लूँ एग्जिट पोल्स के लिए। मैं आपसे खुद बताता हूँ, फॉर एग्जांपल बेटा, हम तो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो साथ में उसे एक इमेजिनरी एग्जांपल से भी लिंक कर दूँगा। बेटा देखो, मैं पहले कह रहा हूँ, इंडिया में जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमें कास्ट सिस्टम में डिवाइड करते हैं, ये रियलिटी है। अगर आपको एक मूवी नहीं देखी, मदारी एक मूवी है, उसमें देख लेना, उसमें भी सेट्स का यूज़ कर रखा है उसने, वहाँ पे उसने क्लियरली कह रखा है, पॉलिटिशियन है, कह रहा है हम जो पॉलिटिशियंस हैं हर 5 साल में आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आते हो, तुम बेवकूफ़ बनते हो। कह रहे हमारे पे ना तुम पब्लिक का डाटा होता है कि कितने लोग हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, हम हर 5 साल में तुम्हें तोड़ते हो, तुम टूट जाते हो। कह रहे हमारी बेवकूफ़ी नहीं, तुम लोग बेवकूफ़ हो। ये बातें क्यों बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एक ये दो पॉइंट के लिए समझना बेटा। हर एक को पता होता है कि इस एरिया में इस पार्टी को वोट मिलने, इस एरिया में इस पार्टी को वोट मिलने। जैसे नो डाउट बेटा, जो गांधी कॉलोनी है फॉर एग्जांपल, ये गांधी कॉलोनी की जगह एक्स कॉलोनी लिख दी, यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, तो नो डाउट कि यहाँ पे ज़्यादा वोट परसेंटेज किसको जाएगी, बीजेपी को। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये दूसरा एक वाई एरिया है, ये मुस्लिम एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा वोट परसेंटेज नो डाउट किसको जाएगी, SP समाजवादी पार्टी उसको जाएगी। अब मुझे सैंपल में डाटा कलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 लोगों का डाटा कलेक्ट करना है, अगर मैं 100 के 100 लोग एक्स एरिया के ले लूँ जहाँ पे हिंदू रहता है, और वो बीजेपी को दिखा देगा एग्जिट पोल्स की 100% चांसेस ही बीजेपी के जीतने की है, क्या यहाँ पे जो मैंने सैंपल सेलेक्ट किया था क्या सही था, जो मैंने सैंपल सेलेक्ट करने का फ्रेमिंग करी, क्या वो मैंने सही फ्रेमिंग करी, बताओ क्या मैंने सही फ्रेमिंग करी थी सैंपल सेलेक्ट करते हुए, क्या मेरी सही फ्रेमिंग थी? नहीं तो सही फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए, आप खुद बताओ। मतलब ये है कि आप जब सैंपल सेलेक्ट करते हो ना, सैंपल ऐसा सेलेक्ट करो जो बिल्कुल सही फ्रेमिंग में बैठे, और वो यूनिवर्स की सारी करेक्टरिस्टिक्स बताए। आप बताओ, अगर मुझे 100 बंदे सेलेक्ट करने हैं तो मुझे कैसे कलेक्ट करने चाहिए, क्या ये सही रहेगा कि एक्स एरिया के 50 बंदे और वाई एरिया के भी 50 बंदे, क्या ये बिल्कुल सही रहेगा दोनों जगह से 50-50%, दोनों से 50-50% इज एक्यूरेट? बेटा हाँ ना, अंबिका ने कहा हाँ भैया 50-50, उसने आंसर भी लिखा। बेटा बाकी बताओ कि ये है फ्रेमिंग ऑफ सैंपल,
यशिता, केशव, तुषार, यस, अलीशा। तो ये पॉइंट है, कह रहा है सैंपल को हमें सेलेक्ट करने में, रिप्रेजेंट करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग ए सैंपल, मतलब बेटा ये देखो, ये भी पॉपुलेशन का पार्ट है, ये भी, लेकिन दोनों के करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल हेट्रोजीनियस है। तो जब अलग अलग हेट्रोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स हो तो दोनों में से इक्वल ले लो, जिससे कि जो हमारे पे डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल कि सैम्पलिंग में दिक्कत आ सकती है। और बेटा आपको स्पेशलिस्ट नॉलेज चाहिए, सैम्पलिंग में काफ़ी सारे टेक्निकल प्रोसीजर लगते हैं, आपको उन टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप सैंपल सेलेक्ट नहीं कर सकते। भैया ऐसे कैसे, कौन सी नॉलेज चाहिए सैंपल के लिए, क्यों घबरा रहे हो बेटा मेरे होते हुए? अगले लेक्चर में ये बताऊंगा कि अलग अलग टाइप से सैंपलिंग होती है, ये टेक्निकल नॉलेज भी दे दूंगा कि कब कौन सी सैंपलिंग लगानी चाहिए। लेकिन आज के लिए बेटा इतना ही। आज क्या करा यार, बातें ही बातें करी। पहले थोड़ा सा बात बता दिया यूनिवर्स के बारे में, फिर सेंसेक्स, फिर सैंपल, दोनों की सुटेबिलिटी, दोनों के मेरिट्स, दोनों के डीमेरिट्स विद एन एग्जांपल। भैया आज के लिए बस, पता है मुझे बेटा तुम थक गए, तुम्हारे से पहले मुझे तुम्हारी फीलिंग्स अंदर से आवाज़ आ जाती है तुम्हारे, भैया बस, भैया हम गिरने वाले हैं, या कितने तो गिर भी चुके हैं, भैया बस और नहीं हो पाएगा। समझता हूँ बेटा, आज के लिए इतना ही, घबराओ मत, इसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को भी हम क्या कह देंगे, अलविदा। हो गया भैया, ग्रेट सक्सेस। बाय बेटा, ग्रेट सक्सेस।